आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रोप का सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं अलग अलग रोप, जैसे कि मनीला रोप, पॉलीथिलीन रोप, पॉलीप्रोपिलीन रोप और नायलॉन रोप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करने से पहले आपको कुछ बातें जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस रोप का आपको सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करना है, उस रोप का कांस्टेंट रेट क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये कांस्टेंट रेट कितना होता है हर एक रोप वाइज। तो सबसे पहले देखते हैं कि मनीला जो रोप है उसका कांस्टेंट रेट आता है 20। फिर सेकंड है पॉली इथिलीन रोप, उसका कांस्टेंट रेट आता है 35। फिर है पॉली प्रोपिलीन रोप, उसका कांस्टेंट रेट आता है 40। फिर उसके बाद है नायलॉन रोप, उसका कांस्टेंट रेट आता है 60। तो ये कांस्टेंट वैल्यू आपको ध्यान में रखना है जब भी आप इस रोप का सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करते हो। फिर उसके बाद आपको और एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट करते हो किसी भी रोप का, तो उस वक्त आपको उस रोप का जो डाया होता है उसको आपको कन्वर्ट करना है 1/8 में, यानी कि उसका जो डायमीटर है उसको आपको पुट करना है 1/8 में। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये 1/8 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक नायलॉन रोप है जिसका साइज है 3/4 इंच। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि ये जो 3/4 इंच नायलॉन रोप है इसके डायमीटर को हमें 1/8 में कन्वर्ट करना है। तो अब हम ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए कि जैसे ये 3/4 है, 4 को अगर मान लो आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 8 मिलेगा। तो जैसे कि आपने 4 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो आपको 8 मिला, तो वैसे ही आपको 3 को मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 2 से, तो हमें क्या मिलेगा 6/8। तो ये जो 6/8 है इसका हम यूज करके इसको हम फार्मूले में पुट अप करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो हमें उस रोप का सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी बता देगा। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये 6/8 आया कैसे और ये आपने लिया क्यों। तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी रोप है जिसका आपको सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी निकालना है, तो उस रोप का डायमीटर सबसे पहले आपको कंसीडर करना है और उस रोप के डायमीटर को आपको 1/8 में कन्वर्ट करना है। तो 1/8 में कैसे आएगा, जैसे कि 3/4 है, 4 को जब आप मल्टीप्लाई बाय करोगे 2 से तो आपको 8 आएगा। तो जैसे कि आपने 4 को मल्टीप्लाई बाय किया है 2 से, वैसे ही आपको 3 को भी मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 2 से, तो उसका रिजल्ट आएगा 6/8। तो आपको समझ गया कि ये 6/8 कैसे आया। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो रोप है उसका जो डायमीटर है उसको हमने 1/8 में कन्वर्ट किया है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तभी हम उसको फार्मूला में पुट अप कर सकते हैं और उसका सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा पॉइंट नंबर फर्स्ट हो गया। अब पॉइंट नंबर टू आपको ध्यान में रखना है कि ये जो 6/8 है इसमें जो टॉप पर 6 है इसका आपको सबसे पहले स्क्वायर लेना है, यानी कि 6 का स्क्वायर आएगा और मल्टीप्लाई बाय करना है आपको उसका जो कांस्टेंट रेट है उससे। यानी कि जैसे कि हमें पता है हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है नायलॉन रोप को, तो नायलॉन रोप का हमने यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू देखी थी वो थी 60। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो 6 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट वैल्यू से, और कांस्टेंट वैल्यू है हमारी 60, यानी कि 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 60। अब इसकी वैल्यू आएगी 36 मल्टीप्लाई बाय 60, तो इसका टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा 2160 पाउंड्स। तो ये जो 2160 पाउंड्स है वो इस नायलॉन रोप का सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है जिसका डायमीटर है 3/4 इंच। अब इस पाउंड को आपको अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको इसको 0.454 से मल्टीप्लाई बाय करना होगा, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो केजी में मिलेगा, यानी कि 2160 मल्टीप्लाई बाय 0.454, तो उसका रिजल्ट आएगा 980.64 केजी। तो ये जो है इस नायलॉन रोप की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है। और वैसे ही अगर आप इसको अगर टन में कन्वर्ट करते हो तो वो हो जाएगा 1.08 टन, यानी कि 1.08 टन जो है वो उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है उस नायलॉन रोप की। वैसे ही अब हम मनीला रोप की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी निकालते हैं। तो मानते हैं कि हमारे पास 3/4 इंच का मनीला रोप है, वैसे ही हमें सेम करना है कि ये जो 3/4 इंच डायमीटर है इसको आपको 1/8 में कन्वर्ट करना है, तो वो आ जाएगा आपका 6/8। तो उसके अनुसार अगर हम फार्मूले में पुट अप करते हैं तो ये जो टॉप वैल्यू है उसका हमें स्क्वायर करना है, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका कांस्टेंट वैल्यू। तो मनीला रोप की कांस्टेंट वैल्यू है वो है 20, यानी कि 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20, तो उसका रिजल्ट आएगा 720 पाउंड्स। तो 720 पाउंड्स जो है वो मनीला रोप की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी है।
वैसे ही अगर हम इसको केजी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 326 केजी, तो वो उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि पॉलीइथिलीन रोप का हम सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सेम वैसे ही हम कंसीडर करते हैं कि ये जो पॉलीइथिलीन रोप है उसका जो डायमीटर है वो है 3/4 इंच। तो सेम कैलकुलेशन आएगा 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट वैल्यू। तो पॉलीइथिलीन रोप की कांस्टेंट वैल्यू है 35, यानी कि 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 35। तो उसका रिजल्ट आएगा 1260 पाउंड्स, तो वो उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी हो जाएगी। तो वैसे ही अगर हम इसको केजी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा 571 केजी। वैसे ही अब हम देखते हैं कि पॉलीप्रोपिलीन रोप का हम सेफ वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम हम वही कंसिडर करते हैं कि 3/4 इंच का हमारे पास पॉलीप्रोपिलीन रोप है। अब हम क्या करेंगे कि उसका जो डायमीटर है 3/4 इंच का, उसको हम कन्वर्ट करेंगे 1/8 में, जो हमारा हो जाएगा 6/8। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट वैल्यू। तो पॉलीप्रोपिलीन रोप का कांस्टेंट वैल्यू है 40, यानी कि 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 40, तो उसका रिजल्ट आएगा 1440 पाउंड्स, तो वो उसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी हो जाएगी। और वैसे ही इस पाउंड को अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 653 केजी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि सेफ वर्किंग लोड हम किसी रोप का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें हमने देखा कि मनीला रोप, पॉलीइथिलीन रोप, पॉलीप्रोपिलीन रोप और नायलॉन रोप, ये चारों रोप की अगर आपको कांस्टेंट वैल्यू पता है तो आप इजीली उसका सेफ वर्किंग लोड कैलकुलेट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।